Good morning students of class 5th. Today we are going to revise our chapter 2, that is Animal World. So today we are going to revise the topic Movement in Animals. So aaj hum revise karne wale hain topic lekar Movement in Animals. So students, as I know, different animals have different moving organs. हर एनिमल्स, जैसे कि एनिमल्स डिफरेंट होते हैं, उनके ईटिंग हैबिट्स अलग अलग होते हैं, सब कुछ अलग होता है, उसी तरीके से इनके मूवमेंट्स भी अलग अलग होते हैं. ओके, सो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्वेटिक एनिमल्स की. ओके, फिश हैव फिन्स एंड टेल विच हेल्प टू मूव फॉरवर्ड एंड चेंज द डायरेक्शन. जिस तरीके से फिश, पहले हम बात करते हैं फिश की, तो हम देखते हैं फिश में क्या होते हैं, फिन्स होते हैं और उनके टेल होते हैं, जो कि उनको आगे बढ़ने में और डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करते हैं. ओके, तो फिश के जो मूवमेंट है वो होते हैं फिन्स से एंड टेल्स से. फिन्स से वो फॉरवर्ड आगे की तरफ बढ़ते हैं और टेल से वो क्या करते हैं, डायरेक्शन चेंज करते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज टर्टल्स एंड टॉर्टोइस हैव पैडल लाइक लिम्स व्हिच पुश वाटर एंड हेल्प इन स्विमिंग. उसी तरीके से टर्टल्स हो गए और टॉर्टोइस हो गए, इनके जो लिम्स होते हैं वो पैडल टाइप के लिम्स होते हैं, जिससे कि ये वाटर को पुश करते हैं. ठीक है, जिससे कि ये स्विम कर सकते हैं, वाटर में इजिली स्विम कर सकते हैं, क्योंकि इनके जो फीट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बिल्कुल पैडल लाइक होते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज फ्रॉग्स हैव वेब्ड फीट टू स्विम ऑन लैंड, दे यूज देयर लॉन्ग हाइंड लेग्स टू जंप. उसी तरीके से फ्रॉग्स जो हैं, इनके फीट कैसे होते हैं, वेब्ड फीट होते हैं, वेब्ड लाइक दिस. ठीक है, बट क्या है कि इनके बीच में गैप नहीं होता है, जैसे हमारे फिंगर्स के बीच में गैप है ना, तो फ्रॉग्स में आपने देखा होगा, फ्रॉग्स हो गए, डक्स हो गए, तो उनके लिम्स के बीच में गैप नहीं होता. ओके, सो ये इससे क्या करते हैं, स्विम करते हैं, इनके जो लिम्स होते हैं पैडल लाइक लिम्स होते हैं, इससे ये स्विम करते हैं. ओके, एंड दे यूज देयर लॉन्ग हाइंड लेग्स टू जंप, और ये अपने पीछे के पैरों से कूदने का, जब ये लैंड पर आते हैं तो ये पीछे के पैरों को यूज करते हैं हॉप करने में, यानी कूदने में. ओके, जंप करने में. नाउ पेंगुइन्स, पेंगुइन्स यूज देयर टू फोर लिम्स एज फ्लिपर्स टू पुश वाटर एंड स्विम ऑन लैंड, दे यूज देयर फीट फॉर वॉकिंग. पेंगुइन्स को आपने देखा होगा कि इनके टू फ्लिपर्स होते हैं, जिससे कि ये स्विम कर सकते हैं, वॉटर में इजिली स्विम कर सकते हैं, और जब ये लैंड पे होते हैं तो ये अपने टू फीट पर चलते हैं. ठीक है, होते तो पेंगुइन्स क्या है, बर्ड्स हैं, बट ये क्या है, फ्लाइटलेस बर्ड्स होते हैं, क्योंकि ये बहुत हैवी होते हैं, जिससे कि ये उड़ नहीं सकते हैं. ओके, नाउ रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स हम किसे कहते हैं, रेंगने वाले जीवों को हम रेप्टाइल्स बोलते हैं. सो रेप्टाइल्स हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडीज एंड दे मूव बाय क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड. रेप्टाइल्स के स्केल्स होते हैं, ठीक है, जिससे कि ये मूव करते हैं ग्राउंड में, यानी ये जमीन पर और दीवारों पे रेंगने वाले जीव होते हैं, जैसे कि लिजार्ड जो है वो आपने वॉल्स पे देखा होगा, बाकी क्रोकोडाइल हो गया, स्नेक हो गया, ये सारे आपने जमीन पर रेंगते हुए देखे होंगे. ठीक है, सो क्रोकोडाइल्स, चैमिलियंस एंड लिजार्ड्स हैव लिम्स. अच्छा, जैसे कि क्रोकोडाइल, लिजार्ड्स और चैमिलियन, इन सबके छोटे छोटे लिम्स होते हैं. लिम्स किसे बोलते हैं, जिनके छोटे छोटे पैर होते हैं उनको हम लिम्स बोलते हैं. ठीक है, तो इनके क्या होते हैं, छोटे छोटे पैर होते हैं, जिससे कि ये जमीन पर ही रेंगते हैं. ठीक है, उसी जगह पर स्नेक्स हैव स्केल्स एंड प्लेट्स ऑन द अंडर साइड ऑफ द बॉडी दैट आर अटैच्ड टू द रिब्स. उसी जगह पे स्नेक के क्या होते हैं, स्केल्स और प्लेट्स होते हैं. ठीक है, जिससे कि वो मूव करते हैं, और ये जो होते हैं वो उनकी बॉडी के अंदर होते हैं, जो कि रिब्स से अटैच्ड होते हैं. ओके, अच्छा, ये जो स्केल्स हैं और ये जो प्लेट्स हैं जो कि स्नेक्स में पाई जाती हैं, ये जो होते हैं बहुत ही स्ट्रांग होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं, जिससे कि ये एक्सपैंड करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ये आगे की तरफ मूव करते हैं. आपने कभी स्नेक को देखा होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सिकुड़ जाते हैं, एक्सपैंड करते हैं, फैल जाते हैं, तो ऐसा इसलिए होता है कि पहला तो उनके स्केल्स होती हैं, दूसरा उनकी जो मसल्स होती हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होती हैं और फ्लेक्सिबल होती हैं. ओके, नाउ मैमल्स, अब हम बात करते हैं मैमल्स की. सो मैमल्स हैव फोर वेल डेवलप्ड लिम्स, काउ, कैमल एंड डॉग्स, वी ऑल, सॉरी, यूज ऑल देयर
फोर लिम्स फॉर वॉकिंग एंड रनिंग। ठीक है, मैमल्स के वेल डेवलप लिम्स होते हैं, जितने भी मैमल्स होते हैं उनके जो लिम्स होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं। डू यू नो व्हाट आर मैमल्स? आप लोगों को आई थिंक मुझे ये पता होगा कि आपको मैमल्स किसे कहते हैं। ओके, मैमल्स हम उन्हें कहते हैं, मैमल्स आर दोज हु गिव देयर बेबीज डायरेक्टली। वो मैमल्स जो कि अपने बच्चों को डायरेक्ट जन्म देते हैं उनको हम मैमल्स कहते हैं। एंड दे फीड देयर यंग वंस ऑन देयर ओन मिल्क, और वो अपने ही मिल्क पर अपने बच्चों को फीड करते हैं, वो मैमल्स कहलाते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ सो मैमल्स हैव फोर डेवलप्ड लिम्स। मैमल्स आपने देखे होंगे जितने भी, उनके फोर डेवलप्ड लिम्स होते हैं, यानी चार पैर होते हैं उनके। ठीक है, जैसे कि काऊ हो गया, कैमल हो गया, बफलो हो गया, गोट हो गया, शीप हो गया, एलिफेंट हो गया, जिराफ हो गया, ऑल दीज आर मैमल्स। ठीक है, सो यूज ऑल देयर फोर लिम्स फॉर वॉकिंग एंड रनिंग। ये अपने चारों पैरों का यूज किस में करते हैं? दौड़ने में और चलने में। उसी जगह पर ह्यूमन बींग्स यूज ओनली टू लिम्स फॉर वॉकिंग। उसी जगह पर हम देखते हैं ह्यूमन बींग्स अपने केवल टू लिम्स का यूज करते हैं, यानी ह्यूमन बींग्स के केवल टू लिम्स होते हैं, और एनिमल्स में हम देखते हैं कि उनके फोर लिम्स होते हैं, उनके चार पैर होते हैं, और ह्यूमन बींग्स में उसी जगह पर दो पैर होते हैं। नाउ द लास्ट टॉपिक इज माइग्रेशन। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा है वो है माइग्रेशन। माइग्रेशन हम किसे कहते हैं? मास मूवमेंट ऑफ एनिमल्स एवरी ईयर टू अवॉइड हार्श वेदर कंडीशन, यानी कि अपनी प्लेस को छोड़कर दूसरी प्लेस पर जाना। ऐसा ये क्यों करते हैं? ऐसे एनिमल्स जो अपनी प्लेस छोड़कर दूसरी प्लेस पर चले जाते हैं, और ऐसा ये इसलिए करते हैं क्योंकि ये बहुत ही हार्श वेदर को सह नहीं पाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि वेदर जो होता है वो चेंज होता रहता है, सीजन्स चेंज होते रहते हैं, तो ये वेदर को सहन नहीं कर पाते हैं, इस वजह से ये प्लेस चेंज कर देते हैं। ठीक है, इन्हें हम माइग्रेटरी बर्ड्स, माइग्रेटरी इंसेक्ट्स, माइग्रेटरी फिश ये कहते हैं। ओके, जो कि अपनी जगह से माइग्रेट कर जाएं, यानी कि अपनी जगह से दूसरी जगह चले जाएं, दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आर्कटिक टर्न एंड साइबेरियन क्रेन। आर्कटिक टर्न और साइबेरियन क्रेन ये दोनों ही बर्ड्स हैं। आर्कटिक टर्न जो है सबसे बड़ा माइग्रेशन करती है, ये बहुत लंबे समय के लिए जाती है, ये आर्कटिक से लेकर अंटार्कटिक तक जाती है, और फिर अंटार्कटिक से वापस आर्कटिक टर्न तक आती है, तो इसीलिए सबसे लंबा माइग्रेशन आपका आर्कटिक टर्न करती है। फिश में जैसे कि सैल्मन, इनको ये जो सैल्मन है ये माइग्रेशन करती है ब्रीडिंग पर्पस से। ठीक है, ये दूसरी जगह पर जाके अपना ब्रीडिंग के लिए, ब्रीडिंग पर्पस से ये दूसरी जगह पर माइग्रेशन करती है। फिर है आपका इंसेक्ट्स जैसे कि लॉक्टस एंड मोनार्च बटरफ्लाइज। ये कुछ इंसेक्ट्स भी हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेशन करते हैं बिकॉज ऑफ देयर फीडिंग हैबिट्स। ओके, सो स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड आवर सेकेंड चैप्टर। नाउ व्हाट्स योर होमवर्क? यू हैव टू लर्न ऑल द डिफाइन एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 2 फॉर योर टेस्ट। ओके, आपको चैप्टर 2 बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है क्योंकि अब हम आपका डायरेक्ट टेस्ट लेंगे। ठीक है, सो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम है, यू कैन एनी टाइम कॉल मी और मैसेज मी। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।